सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके विंडोज़ पीसी में गूगल क्रोम ब्राउज़र में जो है दोस्तों आपके एंड्रॉयड ऐप्स को कैसे रन करते हैं ऑनलाइन। इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। जैसे कि एंड्रॉयड ऐप्स का मतलब दोस्तों आपका व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या फिर अगर आप कोई गेम यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों तो ये ऑनलाइन आप कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। ये सिर्फ मेथड जो है दोस्तों गूगल क्रोम ब्राउज़र के लिए ही वर्क करेगा। तो जस्ट क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए आपके पीसी में और जस्ट गूगल में सर्च कीजिए वेब स्टोर। आपको क्या करना है, आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र का वेब स्टोर ओपन करना है। यहाँ से इस तरीके से ओपन करने के बाद दोस्तों सर्च दी स्टोर, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है एंड्रॉयड इमुलेटर। इस तरीके से सर्च कीजिए और इंटर हिट कीजिए और नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन देखने को मिल जाएगा दोस्तों एंड्रॉयड ऑनलाइन इमुलेटर। तो जस्ट इसको ओपन कीजिए और ये जो एक्सटेंशन को दोस्तों आपके क्रोम ब्राउज़र में ऐड करना है। मैं इसको ऑलरेडी ऐड किया हूँ दोस्तों। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक्सटेंशन का लोगो, तो जस्ट उस पर एक मरतबा क्लिक कीजिए इस तरीके से और यहाँ पे आप देख सकते हैं रन एंड्रॉयड ऑनलाइन इम्यूलेटर। तो जस्ट उसको वहाँ से ओपन कीजिए दोस्तों। ये थोड़ा टाइम लगेगा आपको, यहाँ पे 30 सेकेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 30 सेकेंड्स के बाद जो है दोस्तों, तो जैसे आपका एंड्रॉयड डिवाइस वर्क करता है दोस्तों उसी तरीके से ये एक्सटेंशन भी वर्क करता है। ये सिर्फ आप अगर आपके पास नेट है तो ऑनलाइन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने जो भी छोटे छोटे ऐप्स हैं दोस्तों, जैसे कि व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो ये सब सारे यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन के ऐप्स जो है दोस्तों यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों आपका जो इम्यूलेटर है अभी वो ओपन हो गया है। जैसे आपका एंड्रॉयड डिवाइस दिखता है दोस्तों उसी तरीके से ये एक्सटेंशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे तो आप इसको यहाँ से ईजी तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों रोटेट हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट इस इम्यूलेटर में कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको और दूसरे एप्लीकेशन इसके अंदर यूज़ करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप ऐप्स में, जैसे कि व्हाट्सअप है और ट्विटर है और फेसबुक है और ये सब सारे यहाँ पर आपको ऐप्स हैं देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आप कोई दूसरा ऐप यूज़ करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जस्ट एक्सटेंशन पे एक मतलब आप इससे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं माय एपीके मैनेजर। तो जस्ट उसको ओपन कीजिए दोस्तों। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप अपनी कोई भी एंड्रॉयड एपीके फाइल को डाउनलोड करके यहाँ से अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद उसको फिर से रन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं इंस्टाग्राम की एपीके यहाँ पर ऐड किया हूँ, इंस्टाग्राम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम की एपीके फाइल अपलोड किया हूँ। अगर आपको भी अपलोड करना है तो जस्ट यहाँ से आप उसको इजीली अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अपलोड एपीके पे क्लिक कीजिए, अपलोड हो जाएगा। तो जस्ट रन एपीके पे आपको क्लिक करना है। अभी वो जो एपीके है दोस्तों आपके इम्यूलेटर में इंस्टॉल हो रही है, तो थोड़ी देर वेट कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 37 सेकेंड्स। तो जब तक हम दूसरा कोई ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर व्हाट्सअप नहीं है, व्हाट्सअप को अभी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जस्ट व्हाट्सअप पर भी क्लिक कीजिए, वो भी जो है दोस्तों आपका व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम दोनों ऐड हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल एक्सटेंशन है दोस्तों। आप अपना काफ़ी वक्त आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में बिता रहे हैं तो यहाँ से आप अपने सोशल मीडिया हैंडल को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अभी हमारा जो व्हाट्सअप है अभी इंस्टॉल हो गया है। तो जस्ट ओके पे क्लिक कीजिए। जो प्रोसेस आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में फॉलो करते हैं दोस्तों आपका व्हाट्सअप अकाउंट क्रिएट करने के लिए, वही प्रोसेस यहाँ पे भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्सअप इंस्टॉल हो गया है। तो इसी तरीके से दोस्तों अभी हम होम बटन प्रेस कर लेते हैं और जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी आपका जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है दोस्तों वो इंस्टॉल हुआ या नहीं चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों व्हाट्सअप तो इंस्टॉल हो गया है लेकिन इंस्टाग्राम ऐप जो है दोस्तों इंस्टॉल नहीं हो गया, तो हो सकता है वो सपोर्ट नहीं करेगा, आपको दूसरी एपीके फाइल ट्राई करना पड़ेगा। तो और भी बहुत यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और आप अपने वॉल्यूम को यहाँ से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। अगर आपको इसको टर्न ऑफ करना है तो यहाँ से इसका जो पावर है दोस्तों टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप ईज़िली आपके विंडोज़ पीसी में गूगल क्रोम ब्राउज़र में जो है दोस्तों आप अपने कोई भी ऐप, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ही नहीं दोस्तों, आप कोई भी ऐप जो है यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो बस दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ गया हो
दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग डेली वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड जो भी डॉट्स है दोस्तों, आप अपने डॉट्स को कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।